देख रहे हैं यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं काफी सारे लोग। ये देख रहे हैं दोनों ही किनारे की भीड़, दोनों ही किनारों में भीड़ काफी ज्यादा है। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं गंगा जी की तेज धारा, जो कि आप देख रहे हैं भीड़ भी काफी ज्यादा है। भीड़ आपको अभी वीकेंड चल रहा है, साथ में आपको समर सीजन, चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी ऑफलाइन यात्रा की, तो भीड़ आपको तिगुना और अगर कोई बड़ा स्नान आता है तो भीड़ आपको चार गुना देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये जो सीजन है 2 महीने का है, काफी ज्यादा भीड़ होगी। और जल में देख रहे हैं काफी सारी चीजें बह के आ रहे हैं, तो जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो छोटी छोटी जानकारी है जो कि आपको जरूर याद रखनी चाहिए, जो कि आपकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जल की धारा देखेंगे यहाँ पे, आज थोड़ी कम हुई है, जो सीढ़िया आज एक दिखाई दे रहा है वो पहले डूबा हुआ था, तो थोड़ी सी जल की धारा कम है आज, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी तेज है भीड़। आप देखेंगे श्रद्धालु की संख्या भारी संख्या में आ रही है, और अपर रोड मार्केट बंद कर दिया जाता है, रास्ते में जाम काफी सारा देखने को मिल जाए। अभी हम आपको जूम करते हैं यहीं से, तो देख रहे हैं हाईवे में गाड़ी कितनी धीमी धीमी गति से चल रही है, इतनी ज्यादा जाम अभी देखने को मिल रहा है। बाकी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगा, आप अगर चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं, या फिर आप यात्रा कर रहे हैं ऋषिकेश की। पहले हम आपको दिखा देते हैं नीचे का दृश्य, देख रहे हैं लोगों की भारी संख्या घाट में अभी प्रवेश कर रही है। सुबह के 11 बजे हैं, कोई ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तेज हवाएं चल रही हैं, काफी तेज धूप है, और रास्ते आगे से बंद कर दिया गया है। देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो देख रहे हैं सीधे मार गया, धनुष ब्रिज की ओर गया है वो, लेकिन हम जाएंगे इधर। ये देख रहे हैं इधर भी और इधर भी दृश्य, चलने की भी जगह नहीं है आज, इतनी ज्यादा भीड़ हो रखा है। देख रहे हैं काफी तेज भीड़ है, जल की धारा तेज है और भीड़ भी काफी ज्यादा है। जैसे कि हमने आपको बता दिया है, भीड़ आपको चार गुना अभी देखने को मिलेगा बाकी दिनों की तुलना में। रास्ते बंद है, देख रहे हैं इधर छलांग लगाने के लिए लोग तैयार हैं। चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको चारधाम की। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाह रहे हैं, काउंटर में काफी लंबी लंबी लाइन है, काफी सुविधा चेंज भी किया जा रहा है, आप सुविधा भी अच्छे से कर दिया गया है, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। आप अगर 5 लोग हैं एक टीम में तो केवल 1 लोगों को जाके आप बुकिंग करा सकते हैं, आधार कार्ड लेके 5ों को आपको जाना पड़ेगा। ये सुविधा आज बना दिया गया है, तो ये कब तक रहेगा इसकी हम बात नहीं कर सकते, लेकिन भीड़ को नजर में रखते हुए ये सुविधा बनाया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि वहां पे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। देख रहे हैं भीड़ कितनी ज्यादा है। ये प्रमुख घाट हर की पैड़ी है, जल आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं गंगा जी की धारा, यहीं पे ही गंगा जी की पालकी आती है और आरती के दर्शन आप करते हैं, और ये वही जगह है जहाँ पे आरती के दर्शन सबसे अच्छे आपको होंगे। आरती का समय 7 बजे है, तो 7 से आप लगभग 2 घंटे पहले आप यहाँ पे आके बैठ जाएं, क्योंकि यहीं पे ही लोग बैठे होते हैं आरती के दर्शन करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे पूजा की विधि किया गया है। देख रहे हैं गहराई कितनी है, ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं पे गहराई ज्यादा तो कहीं पे गहराई कम है, तो तैराकी करें तो सावधानी पूर्वक तैराकी करें। भीड़ आप देख रहे हैं, दोनों ही किनारा फूल है। ये महिला घाट हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड वाली एरिया है, यहाँ पे एंट्री करने के लिए 3 मार्ग है, एक तो ये वाली मार्ग है देख रहे हैं, और एक मंदिर के पीछे है जहाँ पे योदा स्टैंड है, ऐसे हम आपको दिखाएंगे, और तीसरा मार्ग ये है, इधर से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि आप रुकेंगे कहाँ, हर की पैड़ी के पास यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ का नंबर अभी हम आप दे देंगे, 2 होटल जो आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ही होटल का आपको नंबर मिल जाएगा, धर्मशाला है वो,
आप बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन। सबसे नजदीक का होगा ये होटल है, होटल आरती दर्शन, होटल गंगा दर्शन। यहाँ पे भीड़ होती है और रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हर की पेड़ी के बाद ऐसे ही भीड़ होती है और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अधिकतर लोगों को ये कंप्लेन रहता है कि हमें यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा है। कोशिश करें आप ऑनलाइन बुकिंग कराने का, तो आपको आसानी होगा। जब खाली रहे उस टाइम आप बुकिंग करा सकते हैं। ये हम आ चुके हैं सबसे बड़े घाट पे, ये वही घाट है जहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होता है। और देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ करके ऐसे ही फेंक दिए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। देख रहे हैं घाटों में भीड़ कितनी ज़्यादा है, तेज़ धूप है, धूप तेज़ है, जलने वाली धूप है सुबह के 11 बजे ही, और हवाएं भी चल रही है, लेकिन 2 बजे के बाद हवाएं काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे घाट पे हवाएं ठंडी ही रहती है माँ गंगा के जल की धारा की वजह से, लेकिन परसों तरसों का जो दृश्य था वो काफ़ी गर्म गर्म हवाएं चल रही थी घाट पे भी, जो 45 डिग्री क्रॉस होने के बाद का दृश्य था। ये हम आ चुके हैं महिला घाट के जस्ट सामने, देख रहे हैं दोनों ही किनारा फुल है, हाउसफुल है ये, देख रहे हैं इधर स्नान करने के लिए वेट करना पड़ेगा। और इस किनारे पे आप रहेंगे ब्रह्मकुंड वाले एरिया में, एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, दो होती है, एक तो वहाँ पे छांव एक जगह नहीं मिलेगा आपको, दूसरा होगा कि चेंजिंग रूम केवल हाँ इस किनारे पे है, तो आपको पूरा घाट क्रॉस करने के बाद अगर आप वहाँ पे स्नान करते हैं पूरा घाट क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे आके स्नान करना होगा। ये अगर इस तरह पे स्नान करते हैं तो आपको ये जो किनारा है काफ़ी सारे, चलते हैं ऊपर जाके दिखाते हैं, चेंजिंग रूम बने हुए हैं काफ़ी सारे, देख रहे हैं यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, देख रहे हैं उधर से भी काफ़ी भारी संख्या में लोग उतर रहे हैं। और जाम आप देख रहे हैं गाड़ी की पहिए पूरी धीमी हो चुकी है, अभी ये भीड़ नहीं है, अभी भीड़ बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगेगा, वीकेंड में आएंगे तो ये जाम और भी बढ़ जाएगा। ये देख रहे हैं दोनों ही किनारे की भीड़, दोनों ही किनारों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अब जब भी हरिद्वार आते हैं तो आपको इस तरह का दृश्य अभी 2 महीने देखने को मिलेगा। हवाएं गंगा घाटों पे ठंडी चलती हैं, काफ़ी अच्छा महसूस होता है, माँ गंगा की धारा भी आपको पता ही ठंडी होती है, काफ़ी अद्भुत और आनंदमय अनुभव होता है माँ गंगा में डुबकी लगाने का, स्नान करने का। देख रहे हैं, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे।